हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग तो आज की सीरीज़ में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं इसका रिवीजन करने वाले हैं तो जैसा आप सबको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए चाहे जेई हो या नीट का एग्ज़ाम हो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है एक तो हमारा थ्योरी पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए और एक मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है कि थ्योरी पार्ट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए हमारे पास एक मेजिकल टूल है वो है रिवीजन जितनी जित ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे टॉपिक आपका उतना ही स्ट्रोंग होता चला जाएगा और एकदम से आपको टॉपिक में कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा बूस्ट हो जाएगा तो हम स्टार्ट करते हैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन सेशन ठीक तो अब इसमें जो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो हैं थॉम्पसन प्लम पुडिंग मॉडल ठीक उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल प्लांक्स क्वांटम थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोर्स मॉडल देन रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी स्पेक्ट्रम हेमीशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डूअल नेचर ऑफ पार्टिकल डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स जिनमें आने वाले हैं आबाव प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल हन्स रूल उसके बाद पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वेव क्वांटम थ्योरी शोडिंगर इक्वेशन एंड रेडियल प्रॉबर्टी डिस्ट्रीब्यूशन करव अब सबसे पहले हम बात करें कि क्वेश्चन आने की चांसेस कहाँ से ज़्यादा होते हैं तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इस पोर्शन से बोर्ड में जो फार्मूले हैं तीनों रेडियस वेलोसिटी एनर्जी ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके लिए इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से भी पूछे जाते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सीरीज से संबंधित क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपके इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वांटम नंबर इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक और अगर हम जयी एडवांस के हिसाब से बात करें तो शोडिंगर इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ठीक है तो ये सब टॉपिक जो है यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और दूसरी बात एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो एक बेसिक है वो आपके पीरियोडिक टेबल को समझने में मदद करता है यानी कि कॉन्फिगेशन कैसे लिखना है ठीक है उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फिगेशन अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं ये सब बेसिक नॉलेज हमें एटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आती है तो कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज हमें पीरियोडिक टेबल को समझने में मदद करने वाली है तो हम आगे बढ़ते हैं सिक्वेंस वाइज जो है तो सबसे सब पहला मॉडल जो सिक्वेंस वाइज हमारे पास है वो है थॉमसन मॉडल इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये एक इंग्लिश डिश का नाम है जिसमें प्लम्स फ्रूट जो है इस तरीके से एम्बेड होते हैं तो सिंपल इसमें एक ही लाइन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रेंडमली एम्बेडेड इन टू एटम ठीक है तो यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एम्बेडेड है और रेस्ट ऑफ द एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज तो चूंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उसने ये बोला कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन उसने सिंपली ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट एम्बेडेड इनटू द एटम थॉमसन के बाद जो अगला मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो है रदरफोर्ड मॉडल रदरफोर्ड क्या कर रहा था कि ही वॉज डूइंग अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग ऑन द गोल्ड फॉइल थीन गोल्ड फॉइल और वहाँ बॉम्बार्डिंग के बाद जो ऑब्जर्वेशन थी उनको देख रहा था ठीक तो सरप्राइजिंगली ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर किया कि आफ्टर पासिंग ओवर दिस गोल्ड फॉइल ही वॉज ऑब्जर्विंग द इफेक्ट तो जैसा ये डायग्राम आपको दिखा रखा है इस डायग्राम में कुछ पार्टिकल जो है वो यहाँ से सीधे निकल जाते हैं ठीक है तो कुछ पार्टिकल तो ऐसे होते हैं जैसे ये पार्टिकल आप देख सकते हैं कि यहाँ से आया और ये सीधा निकल गया ठीक है सम पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड विथ एंगल ठीक है और कुछ पार्टिकल ऐसे हुए जो वापस मुड़कर इसी डायरेक्शन में वापस चले गए तो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट पाथ यानी कि सीधे निकल गए ठीक है सम आर डिफ्लेक्टेड यानी कुछ मुड़ गए ठीक है और अप्रोक्स वन आउट ऑफ अप्रोक्स ट्वेंटी थाउजेंड पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड एट वन एटी डिग्री एंगल यानी कि बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे हुए कि जिधर से आ रहे थे उधर ही वापस मुड़ गए ठीक है इसके बेसिस पे इसने कंक्लूजन निकाले ठीक है तो कंक्लूजन इसने क्या निकाला कि चूंकि पार्टिकल सीधा निकल रहा था तो इसने बोला इनके रास्ते में कुछ नहीं आया यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज़ वैकेंट क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे तो इसने बोला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट खाली पड़ा हुआ एटम और फिर कुछ पार्टिकल जो मुड़े दूर ठीक है तो इसने बोला कि इसके बीच में जो है एक पॉजिटिवली चार्ज इस होना चाहिए जिसको इसने किसका नाम दिया न्यूक्लियस का ठीक है तो न्यूक्लियस पर इसने बोला है कि देर इज पॉजिटिव चार्ज तो सम पार्टिकल्स चूंकि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं दे आर हीलियम न्यूक्लियस ठीक है nucleus, तो अल्फा पार्टिकल इसी को बोलते हैं हम और इस पर प्लस टू ई चार्ज होता है ठीक है तो पॉजिटिव पार्टिकल है और अगर पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो रिपल्शन की वजह से दूर मुड़ जाएगा ये पता लग गया हमें और बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो वापस जिधर से आ रहे हैं उधर ही मुड़ गए इसका मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन कम्पेयर टू होल एटम तो ये तीन कंक्लूजन हमारे सामने है और ये तीन ऑब्जर्वेशन हमारे सामने है कंक्लूजन के बेसिस पे इसने ऑब्जर्वेशन के बेसिस कंक्लूजन ड्रॉ किया अपने तो रदर का मेन कंट्रीब्यूशन था कि he discovered nucleus, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ठीक अब रदर मॉडल पे बेस्ड हम एक चीज सीखने वाले हैं वो है नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इसमें ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल आ रहा है इस डायरेक्शन से ठीक है और इधर पड़ा हुआ है न्यूक्लियस ठीक है एक्चुअली न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस पर चार्ज होता है प्लस जेड ई e. आया कैसे ये अगर मान लीजिए हम ये कहें कि एटम जो है अगर चार्ज और न्यूक्लियस में दिख रहा हूँ जेड ई e. कैसे आया एटॉमिक नंबर यदि मान लीजिए जेड हुआ ठीक है तो जितना जेड होगा उतने ही प्रोटोन उसके अंदर होंगे हमें ये पता है कि चार्ज ऑन वन प्रोटोन इज इक्वल टू प्लस ई e. यदि जेड प्रोटोन है और एक पे प्लस ई e चार्ज है तो इसका मतलब ओवरऑल न्यूक्लियस विल बी हैविंग चार्ज एस प्लस हम आ जाते हैं इस पर ठीक है तो न्यूक्लियस यहाँ रखा हुआ है जिस पर चार्ज है प्लस जेडी अब जाहिर सी बात है प्लस पार्टिकल को आप फेंक रहे हैं प्लस स्फीयर के पास में तो रिपल्शन होगा रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि इसकी जो स्पीड होगी धीरे धीरे कम होती रहेगी और एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां इसकी स्पीड हो जाएगी जीरो ठीक है और जहाँ स्पीड जीरो होगी वहां से ये वापस मुड़ जाएगा ठीक है इसका मतलब ये न्यूक्लियस के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचा और उसी डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं दिस इज नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच अब सवाल ये है कि नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकाला जाता है तो हमने दो पॉइंट ले लिए वन और टू वन वो पॉइंट है जहाँ से आ रहा है हमने माना कि डिस्टेंस अभी यहाँ पर इन्फीनिटी है ठीक है इन्फाइनइट डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल आ रहा था और यहाँ आके ये रुका तो जहां रुका उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया टू और जहां से आ रहा था पॉइंट को वन दे दिया हमें पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व तो टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टू पॉइंट ठीक है मैंने यहां लिखा है कि टोटल एनर्जी हमेशा होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी वन पर काइनेटिक एनर्जी यहां पर जो है वन पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा

और इसे इन्फानाइट रख दू तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो किस पॉइंट पर वन पॉइंट पे ठीक है इसके बाद ये टू पॉइंट पे आ गया टू पॉइंट पे आकर ये रुक गया रुक गया क्यों इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पॉइंट पे क्या हो जाएगी जीरो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ठीक है तो हमें ये पता चली गया है कि अल्फा पार्टिकल इज हैविंग चार्जेस प्लस टू ई ठीक है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज रखा मैंने टू ही ठीक है और ये किसके पास आ रहा था न्यूक्लियस के पास में ठीक तो न्यूक्लियस का चार्ज मैंने रखा जे डी अपॉन आर ये आर क्या है ये नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोचेज जहां आके अल्फा पार्टिकल रुका था और मुड़ा था रुका था और मुड़ा था ठीक है अब हमने इस फार्मूले को रखा है यहाँ पर ठीक है ये मैंने समझा दिया है कि चार्ज और न्यूक्लियस इज प्लस जे डी ठीक है तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के जे डी स्क्वायर बाई आर

इन टू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन गुलाम ठीक और एम जो यहाँ पर है ये एम है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का मास होता है फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन ठीक है अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है फोर टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटोन और मास ऑफ प्रोटोन होता है वन पॉइंट सिक्स है पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है और वेलोसिटी को क्वेश्चन में दे देगा तो यहां इसमें रखकर हम क्या निकाल लेंगे नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये है न्यूमेरिकल अप्रोच हमारा इसका नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेव ठीक है अगर मान लीजिए कोई भी वेव मूव कर रही है ठीक है तो इसमें दो एडजस्टेंट जो क्रेस्ट आएंगे या ट्रॉफ आएंगे उनके बीच की डिस्टेंस जो है वेव लेंथ यानी पूरी एक वेव की लंबाई को हम वेव लेंथ बोलते हैं ठीक है इसकी जो हाइट है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड यहाँ से एक्सिस से ठीक है तो वेव लेंथ हमारी क्या हो गई कि, कि किसी भी साइकिल में दो एडजस्टेंट क्रेस्ट हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस वेव लेंथ हो गई ठीक है फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट से जितनी वेव पास करती है इन वन सेकेंड देट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी यानी कि हम एक पॉइंट बोल दें और यहाँ से जितनी वेव पास कर रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देंगे तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का साइन ये है तो म्यू होता है सी वाई लेमडा अब ये सी कब है जब ये हम किसकी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ठीक है अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इट कैन ट्रेवल वेलोसिटी ऑफ लाइट ठीक है सी इज अ लाइट वेलोसिटी थ्री इंटू टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड तो म्यू हमें पता लग गया सी वाई लेमडा और वन वाई लेमडा होता है वी बार वी बार इज कॉल्ड एज वेव नंबर ठीक है तो ये हमें पता लग गया कि वेव नंबर ये वेव की लंबाई है ठीक है अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं प्लांस क्वांटम थ्योरी सिंपल तरीके से मैं समझाऊ इसको तो सन से जो लाइट आती है हमारे पास वो हम ये समझते हैं कि इस तरीके से आ रही होगी कंटिन्यूसली लेकिन ऐसा नहीं होता है सन से आने वाली एनर्जी इस तरीके से डिसकन्टीन्यूस फॉर्म में आती है ठीक है ये जो छोटी छोटी वेव है इसको एक पर्टिकुलर वेव को हमने क्वांटा बोल दिया है ठीक है तो प्लांस क्वांटम थ्योरी में जो है पहला पॉइंट क्या है कि रेडिएशन कुड नॉट एमिट और एब्जॉर्ब कंसिस्टेंटली बट इट इज़ एमिटेड इन डिस्क्रीट क्वांटिटी इसका मतलब क्या है कंटिन्यूस नहीं आ रहा है कंटिन्यूस नहीं आ रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है डिसकन्टीन्यूस फॉर्म में इसलिए मैंने लिखा है डिस्क्रीट क्वांटिटीज ठीक है ये जो क्वांटिटीज है डिस्क्रीट क्वांटिटी तो इसमें जो स्मॉल बंडल्स आ रहे हैं ठीक है तो एनर्जी का एक बंडल है उसको हमने क्या नाम दिया क्वांटा ठीक है अच्छा अगर मान लो ये लाइट के बारे में बात कर रहा हूँ तो लाइट का जो बंडल होता है दैट इज कॉल्ड एज फोटोन विजिबल लाइट का जो बंडल होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन तो क्वांटा को फोटोन कब कहा जाएगा जब विजिबल लाइट का होगा ठीक है तो प्लांक ने क्या किया प्लांक ने देखा कि जो वेव की एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी यानी इसने बोला कि ई इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी म्यू और जब इसने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो इसने अपने नाम पर एक कॉन्स्टेंट एच लाया एच इज एज कोल्डेस्ट प्लाइंगट ठीक तो e energy, है तो ई इज़ ए एनर्जी एच इज प्लांग कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड अच्छा सी स्पीड ऑफ लाइट है हमें पता ही है लेमडा वेबलेंथ है ठीक है अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एन क्वांटा आ रहे हैं ठीक है काउंट किया हमने ये एन हमेशा इंटीजर ही होता है दोस्तों ठीक है तो अगर एन क्वांटा हमारे पास आ रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या होगी एक क्वांटा की एनर्जी एच म्यू है एन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरी एनर्जी होगी ई इज इक्वल टू एन एच न ठीक है या मैं इसको एस सी अपॉन लेमडा भी लिख सकता हूँ बिकॉज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा इसके बाद जो हम समझने वाले हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप ऐसे समझिए कि एक मेटल सरफेस है इस पर जब लाइट आती है ठीक है तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लग जाती है दिस इज कॉल्डेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन और फोटो मतलब लाइट ठीक है तो लाइट के गिरने से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस डायग्राम में आप क्या समझ रहे हैं कि लाइट आ रही है दिस इज मेटल सरफेस और मेटल सरफेस से हमारे पास निकले इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और इलेक्ट्रॉन या रिसेप्टन ने लिए और एक सर्किट कंप्लीट किया और इस तरीके से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इस प्रिंसिपल पे बेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स ठीक है चलिए तो ये दिखा रखा है कि लाइट रेज आर कमिंग मेटल सरफेस इज प्लेस्ड और उस मेटल सरफेस पे गिरकर कर वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग गए ठीक है चलिए ये होता कैसे है कि जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ठीक है तो यहाँ पर आया एक फोटोन ये क्या आ रहा है फोटोन फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा ठीक है तो इसको द इफेक्ट इज डिफाइंड एज ए इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल प्लेट वेन लाइट फॉल्स ऑन इट ये समझा चुका हूँ मैं ठीक अब ऐसा होता है कि हर सरफेस से एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन डब्ल्यू ठीक है और फिर बची हुई एनर्जी जो होती है एक्सिस में दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑप्टेंट बाई द इलेक्ट्रॉन वेन इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस तो तीन चीज़ें आ गई हमारे पास ठीक है इसके बाद एक चीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ पोटेंशियल रिक्वायर टू स्टॉप इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है हम सामने एक नेगेटिव प्लेट रख दें और जिस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल रोक दें वेलोसिटी इसको जीरो कर दें तो इसके जितना पोटेंशियल वी लगाया जाएगा इसको रोकने के लिए दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल सही अच्छा एमिशन जो है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगा यानी एनर्जी पे डिपेंड करेगा इट डजन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ठीक है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर लाइट की इंटेंसिटी ठीक है लेकिन लाइट की इंटेंसिटी मतलब कितने फोटोन आ रहे हैं ठीक है लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा वो हमेशा फ़ोटोन की एनर्जी पर ही डिपेंड करेगा ठीक तो पर्टिकुलर उस आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए समझ गए हैं, ये है एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन ठीक है और जो W है दिस इज ही चुके हैं एचम्यू के बराबर होता है ठीक है दिस इज एनर्जी ऑफ इनकमिंग फोटोन ठीक अब यहां पे H को मैं लिख दिया एससी वाई अच्छा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक हमारे पास ट्रिक भी होता है ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। वन टू फोर जीरो जीरो अपॉन लेमडा यदि एमस्टोंग में रख दोगे तो एनर्जी आ जाएगी और वो हम एनर्जी हमेशा आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स जीरो टू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन जूल तो ये ध्यान रखोगे आप कन्वर्जन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होता है अब यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है कि आने वाले फोटोन की एनर्जी यदि ई e है तो वो डब्ल्यू एनर्जी खर्च करेगा और बची एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी डब्ल्यू यहाँ पे एच म्यू नोट होता है म्यू नोट क्या होता है थ्रेश ओल्ड फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कम से कम जितनी चाहिए ठीक है तो आने वाले फोटोन की एनर्जी एच म्यू मिनिमम चाहिए इतनी और बची कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में इक्वेशन को रीअरेंज किया मैंने मैंने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एच म्यू माइनस म्यू नोट काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर वी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन है ठीक है अच्छा अगर मैं वर्क फंक्शन निकालना चाहूँ ठीक है सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहूँ तो सिंपल मैं क्या करूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट या वी सिंपल ई वी भी लिख सकता हूँ तो वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं अपन उसे समझेंगे मान लीजिए आने वाले फोटोन की वेवलेंथ लेंथ लेमडा है थ्री वन जीरो जीरो एम मुझे निकालनी है एनर्जी ई मैं क्या करूँगा वन टू फोर जीरो जीरो अपॉन थ्री वन जीरो जीरो ये आने एनर्जी आएगी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये ये आ रहा है फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें एग्जाम में दे दिया कि वर्क फंक्शन इज टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी मिनिमम इतनी तो खर्च होगी ठीक है फोर से आ रहा था टू खर्च होने वाली है तो बची हुई एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में दैट इज़ टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता लग गया मुझे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आने वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन यानी टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है काइनेटिक एनर्जी यदि पता लग गई और मुझसे पूछा व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ से इस काइनेटिक एनर्जी को बराबर करेंगे q इन टू वी से q यहाँ e है तो डब्लू v यहाँ से आ जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज टू वोल्ट तो सिंपली आपको क्या करना है टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से e काट देना है तो ये टू वोल्ट सीधा आंसर आप लिख दोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का ठीक है ये निकालना सबको आ गया होगा आई थिंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अपन आते हैं एक फुल प्रूफ मॉडल जो आया रदर के बाद आने वाला ये फुल प्रूफ मॉडल था हमारा बोर्ड्स मॉडल ठीक है बोर्ड ने आते ये बोला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टेंट इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल यानी जब तक कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी ठीक है लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन जंप करता है नीचे वाले लेवल से हायर लेवल पर ठीक है तो इट विल एब्जॉर्ब सम एनर्जी ठीक है तो फोटोन एनर्जी लेके आएगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे से चला जाएगा ऊपर और ये कितनी एनर्जी लेके जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल क्योंकि फाइनल एनर्जी हमेशा इनिशियल लोअर से वाले से ज़्यादा होती है हायर ऑर्डर की एनर्जी तो ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा पॉजिटिव यदि एनर्जी पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये रिक्वायर्ड एनर्जी है यदि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करता है ठीक है तो उस केस में उल्टा होगा ये फोटोन निकालेगा यानी एनर्जी एमिट करेगा तो ये हो गया फाइनल ई एन वन माइनस ई एन टू हमें पता है कि ये लार्ज है तो इन दोनों का डिफरेंस होगा नेगेटिव यानी एनर्जी रिलीज होगी ठीक है इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी इसके बाद बोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जहां इसका एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ अपॉन पाई ठीक है एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर और इंटिकल मल्टीपल ऑफ एच बाई है एन से गुणा कर देंगे एन का मतलब है इंटीजर नंबर ठीक है तो हमारे पास इक्वेशन आ गया एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई सही है आगे बोर्ड ने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा बार की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर एंड दिस फोर्स इज बैलेंस बाई इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन ये कौन लगाने वाला है न्यूक्लियस सही है तो सेंटिविटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन जो कि होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज होगा प्लस जे डी और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई तो हम क्या करेंगे एक चार्ज तो रखेंगे इलेक्ट्रॉन का ई और एक न्यूक्लियस का चार्ज जे डी ठीक है तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास आ जाएगी कि एम वी स्क्वायर बाई आर मस्ट बी इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस टू बेरिलियम प्लस थ्री ठीक अब देखिए पहला डेरिवेशन है रेडियस ऑफ और बोर ऑर्बिट तो हमारे पास ये दो इक्वेशन जो मैंने बनाई इसकी सहायता से हम जो है आर का डेरिवेशन करेंगे तो ये चीज आएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर ऊपर आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर इसको जब आगे सोल्व करते हैं वैल्यू पुट करके ये आपको याद रखना है इट इज जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाई जेड एम स्ट्रॉन्ग वन एम स्ट्रॉग होता है टेन टू द माइनस टेन मीटर या टेन टू दावर माइनस एट सेंटीमीटर ठीक है यहां से मैं देख सकता हूँ कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर इज इज टू जेड अब हम डिराइव करते हैं वेलोसिटी के लिए तो वेलोसिटी का फार्मूला जो आता है डेरिवेशन से वो होता है टू पाई के जेड टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच सारे कांस्टेंट रख दूं मैं तो ये आता है टू पॉइंट वन एट एट टू टेन टू 8 एट जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड ठीक है इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं जेड और एन जेड एटोमिक नंबर एन जी शेल का नंबर है वो मैं देख सकता हूँ कि फार्मूले में वी प्रोपोर्शनल टू जेड होगा और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होगा आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ठीक तो एनर्जी जो है सबसे सब पहले बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की वो थी हाफ एम वी स्क्वायर हमने थोड़ी देर पहले बोर पोस्टुलेट लिखा था कि एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हमने क्या किया इसको कैंसिल आउट किया तो मेरे पास आ गया हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर इसका एनेटिक एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ठीक है तो एक तो है चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही e, और न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस जेडी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर इन दोनों का सम होता है टोटल एनर्जी जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस हाफ के जे डी स्क्वायर बाई आर अच्छा आर की वैल्यू ऊपर हमने डिराइव की थी उसको यहाँ रख दें हम तो हमारे पास ओवरऑल फार्मूला जो आएगा वो आएगा माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर ठीक है तो एम का स्क्वायर चला गया ई के स्क्वायर के साथ तो ई फोर बन गया और नीचे आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ठीक है कॉन्स्टेंट की वैल्यू रख दें तो माइनस में थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना है ठीक है तो ये फार्मूला आपने याद रखा अब इस पर आधारित जैसे अगर मैं क्वेश्चन करूँ ठीक है कि इलेक्ट्रॉन इज प्रजेंट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इन हीलियम प्लस ठीक है सबसे पहले तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है जेड टू तो टू पता लग गया मुझे ग्राउंड स्टेट बोलते हो तो एन वन होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो टू होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला है क्वेश्चन में तो उसने तीन के बारे में बोला है तो जेड पता लग गया एन पता लग गया भैया ठीक है हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को फार्मूले में रख देंगे रेडियस के जो क्या होता है माइनस जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एन स्क्वायर बाई जेड एम स्ट्रॉन्ग ठीक है ये आ गया वेलोसिटी का फार्मूला टू पॉइंट वन वन एट इन टू टेन टू तो पावर एट इन जेड बाई ये जेड हमें पता ही है और एन पता है थ्री तो जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड ये पता लग गया एनर्जी इसकी होती है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी ठीक है तो हमें ये पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी तो थी हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर और ये था अपना टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर तो रेशियो दोनों का क्या होगा माइनस वन अगर मुझसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी तो रेशियो होगा दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू और अगर हमसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो तो वो रेशियो होगा टू ठीक है तो जो आपके पास वैल्यूज हैं मैं क्या कर रहा हूँ इन तीनों वैल्यूज के बेसिस पे जो मैंने यहाँ लिखा है कैनेटिक एनर्जी हाफ के जेडी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर और टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इनका रेशियो ले रहा हूँ जो कि इस तरीके से निकलेगा तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन बन सकता है ये तीनों आप ध्यान रखें ठीक अब आगे हम बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी होता है ठीक है तो हमने कहा कि टाइम पीरियड क्या होता है ये एक चक्कर में जितना टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं हम ठीक है तो टाइम पीरियड टी होता है इसके सर्क्यूम फेरेंस टू पाई आर अपॉन वी अच्छा आर का एक्सप्रेशन हमारे पास था वी का एक्सप्रेशन हमारे पास था ये हमने लिखा था थोड़ी देर पहले ठीक है तो यहाँ रखने पर हमें ये पता लग गया कि टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी उल्टा हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब ठीक है तो ये रिलेशन याद रखें आप काम आएगा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रेशियो पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हीलियम प्लस में दूसरा जो है थर्ड ऑर्बिट है लिथियम प्लस टू में तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी या व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इस तरह का क्वेश्चन बनता है यहाँ से ठीक आइनाइसन एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन को अगर मैं अभी आ, बोर मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन लाइक की स्पीसीज में तो वहाँ पे ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है तो उससे उस इलेक्ट्रॉन को इन्फाइनाइट लेवल पे पहुँचाने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम आइनाइशन एनर्जी बोलते हैं तो इन्फाइनाइट में एनर्जी तो जीरो करेंगे तो डिफ्रेंस लूंगा तो यह आएगा आयोनाइन एनर्जी प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एन चूंकि हाइड्रोजन लाइक एटम में वन रखना है तो ये सिंपली मैं लिख सकता हूँ प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम चलिए ठीक अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी ठीक है ये क्या होती है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन लेवल अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी एन लेवल में वहाँ से इन्फानाइट ले जाना है अब क्या फर्क है एनएशन एनर्जी में यहां मैं वन लेता हूँ और उसको इन्फाइनट पर ले जाता हूँ बाइंडिंग एनर्जी एक कॉमन टर्म है एन से इन्फाइनाइट ले जाना है जहाँ एनर्जी जीरो हो जाती है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी प्लस 13.6 पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ठीक है इसको हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड लेवल अब सेकंड लेवल का मतलब एन इज इक्वल टू टू से मैं बाहर निकाल दूँ पूरा ठीक है तो एन टू रख देंगे और जेड एटमिक नंबर एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि बाहर नहीं निकालना है इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी अपर लेवल में ले जाना है ठीक है तो यदि मैं वन से टू में ले जाता हूँ तो ये कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो ये होगा ई टू माइनस ई वन अगर मैं वन से थ्री ले जाता हूँ तो ये होगा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ये होगा ई थ्री माइनस ई वन तो इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक स्पेक्ट्रम क्या होता है यदि लाइट को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाए तो इट विल स्प्रिड इनटू कलर लाइंस ठीक है इसी को हम ये जो फोटोग्राफी पर इंप्रेशन आता है लाइंस का उन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम ठीक है अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ऊपर जाता है वो फोटोन लेकर लेकिन जब अनस्टेबल हो जाता है लेकिन ऊपर जाके है ना तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में आएगा वापस तो जितनी एनर्जी लेके ऊपर गया था उतनी एनर्जी एमिट करेगा और उसके एमिशन से जो स्पेक्ट्रम मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑप्टेन फ्रॉम एटम यही ध्यान रखना है बैंड स्पेक्ट्रम इज ऑप्टेन फ्रॉम मॉलिक्यूल यही लाइन ध्यान रखनी है हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि यदि हाइड्रोजन में एटम को अगर मान लीजिए हम एनर्जी देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल में है वो इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाते हैं और जब ये वापस आते हैं तो ये जो एमिशन करते हैं उसको हम नाम देते हैं किसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई सारी सीरीज मिली ठीक है अब ये सीरीज जो है पहली सीरीज लाइमन सीरीज ध्यान रखना है लाइमन का मतलब वन में इलेक्ट्रॉन को आना है हायर से हायर क्या हो सकता है टू थ्री फोर ठीक है हाइड्रोजन में ये सीरीज होती है यूवी रीजन में ठीक यदि वो कहता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इसका मतलब वन में आ रहा है लेकिन जस्ट ऊपर से टू से और अगर वो कहता है लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वन में आ रहा है लेकिन कहाँ का से रहा है इन्फिनीटी से ठीक है खासियत है फर्स्ट लाइन का मतलब एनर्जी गैप मिनिमम तो उल्टा लेमडा मैक्सिमम ठीक है और लास्ट लाइन का मतलब एनर्जी गैप मैक्सिमम तो फिर लैमडा मिनिमम ये आपको ध्यान रखना है यानी कि ये मिनिमम वेवलैंथ का फोटोन कब निकलेगा लास्ट लाइन से और मैक्सिमम वेवलैन का फोटोन कब निकलेगा फर्स्ट लाइन से ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट बामर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन सेवी से, सेकेंड लेवल में आएगा हायर से हायर हो सकता है थ्री फोर से आगे ठीक है हाइड्रोजन में फर्स्ट फ्यू लाइन्स आर इन विजिबल रीजन ये हमें ध्यान रखना है और बाकी जो है वो इसमें इंफ्रा में होती है हाइड्रोजन में वो बाकी कौन सी है प्वाशन लेता हूँ सबसे पहले तीन में आएगा इलेक्ट्रॉन हायर से ब्रैकेट में चार में आएगा इलेक्ट्रॉन हायर से फंड में पाँच में आएगा इलेक्ट्रॉन हायर से और हम फ्री में छः में आएगा इलेक्ट्रॉन हायर से हायर का मतलब जैसे मान लो यहाँ छः में आना है तो हायर का मतलब सेवन एट नाइन टेंथ कुछ भी हो सकता है ठीक है अब मान लो वो हमें बोलता है पाश्चन सीरीज पाश्चन की फर्स्ट लाइन निकालनी है तो सीधी सी बात है तीन में तो आना फिक्स है तो चार से तीन फर्स्ट लाइन है फर्स्ट लाइन का मतलब एनर्जी गैप मिनिमम लेमडा मैक्सिमम ठीक है और अगर वो बोलता है लास्ट लाइन इन पाश्चन तो इसका मतलब तीन तो फिक्स हो गया लास्ट लाइन मतलब इन्फिनी से आ रहा है तो यहाँ एनर्जी गैप मैक्सिमम तो लेमडा यहाँ पे मिनिमम यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेंथ यहाँ से निकलेगी और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेंथ यहाँ से निकलेगी किससे फर्स्ट लाइन से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लास्ट लाइन से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मान लीजिए हमने एक सैम्पल लिया है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फार्मूला है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू ठीक है तो अगर मान लीजिए किसी सैम्पल में सारे इलेक्ट्रॉन एन लेवल में है तो वो मैक्सिमम इतनी लाइंस निकाल सकते हैं इतने तरह के फोटो निकाल सकते हैं ठीक है थीका? तो मान लीजिए एन की वैल्यू तीन है थ्री को मैं यहाँ रखूँ तो आंसर आएगा तीन लाइन यहाँ से निकलेगी उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि थ्री से वन वाला फोटोन फिर थ्री से टू वाला फ़ोटोन और टू से वन वाला फ़ोटोन ठीक है तो ये अपन वैसे भी कर सकते हैं मान लो चार होता तो चार यहाँ रत्तम है तो छः फोटोन आते फोर्थ से थ्री फोरथ से टू फोर्थ से वन फिर थ्री से टू थ्री से वन और फिर टू से वन तो ये या तो ऐसे निकाल लो या फार्मूले से निकाल लो जो सामने है यदि केवल एक अकेला एटम हो जिसको आइसोलेटेड एटम बोलते हैं तो मैक्सिमम लाइन एन माइनस वन होगा आंसर यदि इलेक्ट्रॉन एन बराबर फोर लेवल में होगा तो फोर से पहले आएगा थ्री में थ्री से टू में और टू से वन में तो फोटोन कितने निकलेंगे एक दो तीन ठीक है तो आंसर क्या होगा इसका थ्री जो कि हम यहां से भी निकाल सकते थे इसमें रखकर ठीक है बात कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की तो हर पार्टिकल दो तरह की नेचर रखता है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ठीक है लेकिन वेव नेचर जो है सिग्निफिकेंट होती है केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ठीक है किसके लिए होती है ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन से होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल ठीक है जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है अल्फा पार्टिकल है प्रोटोन है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो इन बहुत छोटे पार्टिकल का एक वेव नेचर भी होता है इन दोनों नेचर को कंबाइन करके डी ब्रोगली ने इक्वेशन दी और इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है लेमडा इज इक्वल टू एच, एच, एच पी या लेमडा इज इक्वल टू एच एम वी मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी या तो ऐसे लिख दू मैं या लेमडा इज इक्वल टू या हम इसको लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी ठीक है इसको मैं लिख सकता हूँ लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम या मास वेलोसिटी या अंडर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी या मैं इसको लिख सकता हूँ एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू इन टू वी अब ध्यान से समझ लें ये तो है मोमेंटम ये मास ये वेलोसिटी ये मास ये काइनेटिक एनर्जी ये मास ये चार्ज ये पोटेंशियल ठीक है वी मतलब पोटेंशियल बड़ा वी पोटेंशियल छोटा वी वेलोसिटी तो ये चार फार्मूले आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेमडा का फार्मूला है अंडर रूड वन फिफ्टी अपॉन वी एम स्ट्रोंग यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सिक्स वोल्ट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन सिक्स वोल्ट से आ रहा है और लेमडा पूछ ले तो वन फिफ्टी अपॉन सिक्स का अंडर रूड कर देंगे सिंपली तो ये आएगा फाइव एम स्ट्रॉन्ग आंसर ठीक है तो ये फार्मूला सीधा लगा दो या इसको ऐसे लिख दो अंडर वुड वन फिफ्टी होता है ट्वेल्व पॉइंट टू थ्री एम स्ट्रॉन्ग अपॉन रूट वी वी क्या है यहाँ पोटेंशियल वी क्या है यहाँ पोटेंशियल ठीक है तो ये सीधा एक हमारे पास ट्रिक है कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो अंडर वुड वन फिफ्टी अपॉन वी करके मैं सीधा लेमडा आंसर निकाल सकता हूँ हाइजन बर्ग कंसेंटेंट प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो एक साथ साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर नहीं की जा सकती कैन नॉट बी मेज़र एक्यूरेटली ठीक है इसके लिए आपको तीन इक्वेशन याद रखनी है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच वाई फो पाई ये है पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा का मतलब अनसर्टेनिटी ठीक है तो अनसर्टेनिटी अगर पॉजिशन में है तो डेल्टा एक्स अगर मोमेंटम में है तो डेल्टा पी ठीक है यहाँ पे मैंने डेल्टा पी को लिख दिया एम डेल्टा वी तो डेल्टा वी जो है वो है अनसर्टेनिटी टी इंटू वेलोसिटी ठीक है अगर एनर्जी के टर्म में दिया हो तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच बाई फोर पाई तो तीन फार्मूले हैं ध्यान रखिएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी या डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी और ये सब ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या है एच अपन फोर पाई ठीक है तो ये नंबर न्यूमेरिकल में आपको ध्यान देगा हाइजन बैग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन होगा तो इस तरीके से कर लेंगे क्वांटम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एटम में लोकेट करने में काम आता है ठीक है तो सबसे सब पहला क्वांटम नंबर अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट क्वांटम नंबर हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से लिखते हैं ये हमें नंबर ऑफ शेल बताता है तो शेल की वैल्यू वन टू थ्री इस तरीके से आगे होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में जो कि शेल में प्रेजेंट होते हैं एल की वैल्यू हमेशा जीरो से लेकर एन माइनस वन तक होती है और अगर एल की वैल्यू जीरो है तो वो एस ऑर्बिटल है सब शेल है वन में पी टू में डी और थ्री में एफ होता है तो कहीं पर अगर एन की वैल्यू चार हो तो वहाँ एल की वैल्यू जीरो वन टू और थ्री होगी यानी कि एस पी डी एफ ये चारों उसमें प्रेजेंट होंगे यदि एन फोर है तो ठीक है अगर हम यहाँ बोलें कि एन एन की वैल्यू के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो इसका फार्मूला होता है टू एन स्क्वायर और अगर मैक्सिमम ऑर्बिटल पूछ लूँ मैं इसमें तो मैक्सिमम ऑर्बिटल इसका आधा एन स्क्वायर होता है क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ठीक अगर मान लीजिए किसी गिवन सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछ लिए जाए तो उसका फार्मूला है टू इंटू टूएल प्लस वन ठीक है और अगर मैक्सिमम ऑर्बिटल पूछ लिया जाए तो इसका जस्ट आधा कर देते हैं और वो कितना होता है टू एल प्लस वन ठीक है मैक्सिमम ऑर्बिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे आता है ठीक है ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है अंडर रूट एल इन टू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई और एच अपॉन टू पाई को मैं लिख सकता हूँ एच बार ठीक है तो ये फार्मूला नीचे मैंने ऐसे लिख दिया है ठीक है तो हमें अगर एल की वैल्यू पता है जिसे मान लो फोर ऐसे एल की वैल्यू है जीरो ठीक है तो अगर एंगुलर मोमेंटम अब ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछ ले इसके लिए तो हमें एल की वैल्यू जीरो रख के आंसर जीरो रख देंगे ठीक है अगली क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताती है कि स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है ठीक है ये वैल्यू हमेशा एम की वैल्यू माइनस एल से लेकर जीरो तक जाती है और फिर वहाँ से प्लस एल तक जाती है सपोज कीजिए एल की वैल्यू जो है वन है तो एम की या एल की वैल्यू मैं टू लेता हूँ तो एम माइनस टू फिर माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू के बराबर होगी पांच वैल्यू इसके लिए होगी माइनस एल टू जीरो टू प्लस एल टू अगला है स्पिन क्वांटम नंबर ये बताता है कि व्हाट इज द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेशन या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है दो ही वैल्यू संभव है ये चारों क्वांटम नंबर हमारी हो गई अब हम किस पे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स पे ठीक है इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल में सबसे पहला मैं बताता हूँ आबबाओ प्रिंसिपल आब प्रिंसिपल ये बोलता है कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरते हैं यानी पहले उसमें आएंगे जिसकी एनर्जी कम है तो ये ऑर्डर है अब बाव का कि इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरते हैं वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस थ्री डी फोर पी और सोन ठीक है ये आप ऑर्डर याद रखना है अब इसी ऑर्डर का दूसरा फॉर्म है एन प्लस एल रूल ठीक है ये इसी चीज को बताता है कि अगर दो ऑर्बिटल में कंपेयर करना हो तो जिसका एन प्लस एल वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी भी कम होगी ठीक है और यदि एन प्लस एल सेम आ जाए तो आप ये देखोगे कि जहाँ एन की वैल्यू कम होगी वहाँ एनर्जी भी कम होगी जैसे फॉर दी एग्जाम्पल फोर एस और थ्री डी में एनर्जी फोर एस की ज़्यादा होती है ठीक है फोर एस की कम होती है ये उल्टा लगाना मुझे साइन एनर्जी थ्री डी की ज़्यादा है क्यों क्योंकि फोर एस के लिए फोर प्लस जीरो तो इसका एन प्लस एल हो गया थ्री डी के लिए थ्री डी के लिए एल होता है टू तो इसके लिए फाइव इसके लिए टोटल फोर तो जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी समझिए एन प्लस एल लोवर एनर्जी लोवर खत्म बात अगर सेम आ जाती है जैसे फोर एस और थ्री पी में देखना है मुझे फोर एस में एन प्लस एल फोर प्लस जीरो थ्री पी में एन प्लस एल थ्री प्लस वन होगा ठीक है तो दोनों में बराबर आ गया तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि जहाँ एन की वैल्यू कम आ रही होगी ठीक है उसी का एनर्जी जो है वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा यानी कि एनर्जी जो है उल्टा साइन लगाता हूँ मैं यहाँ पर फोर एस की एनर्जी थ्री पी से ज़्यादा होगी ठीक है तो यहाँ रिवर्स साइन लगा हुआ था फोर एस लेस देन थ्री डी आंसर है और फोर एस ग्रेटर देन थ्री पी है समझ गए बात को यहाँ दोनों एन प्लस एल सेम था तो फिर एन की वैल्यू -E जहाँ लोअर होगी वहीं पर एनर्जी भी कम होगी ये एनर्जी का ऑर्डर है ये एनर्जी का ऑर्डर है बिल्कुल तो 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 सिंपल रूल है समझ गए होंगे आप लोग ठीक है ठीक है तो एक बार वो बता देता हूँ जहाँ एन प्लस एल कम आएगा वहाँ एनर्जी कम होगी यदि एन प्लस एल सेम होगा तो जिसमें एन लोअर होगा वहीं एनर्जी लोअर होगी इस क्राइटेरिया पे आप निकाल सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं रूल सिंपल ये बोलता है कि अगर किसी भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम ठीक है तो पेयरिंग तभी हो सकती है जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए ठीक है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस वेन एवरी ऑर्बिटल एवरी ऑर्बिटल हैज़ एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन ठीक है एवरी ए, ए, एवरी ए, एवरी एवरी तो तो जैसे ऑक्सीजन का कॉन्फिगेशन था वन एस टू टू एज टू टू पी फोर अब मैं टू पी फोर बनूँ तो पी सब शेल में होते हैं तीन ऑर्बिटल तो मुझे भरना है चार इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरूंगा और जब एक एक भर दूंगा मिनिमम तो फिर इस तरीके से ये सही होगा ऐसा ना हो कि हमने तीन ऑर्बिटल में दो इधर भर दी दो इधर भर दी इसको खाली छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो हूं रूल का मतलब ये है पॉली का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है सिंपली कि, कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या फिर ये बोलें कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम आ जाए किसी भी एटम में ठीक है ये पॉली का रूल था पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसमें कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और डायमैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेड आ जाए ठीक है इसके बेसिस में हम निकालते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक यहाँ से जो है नॉट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गलत स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन लिखा है मैंने यहाँ पे ठीक है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू अंडर वूड एन इंटू एन प्लस टू यूनिट इसकी बोर मैगनेट्रॉन होती है और एन का मतलब है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ठीक है अनडरव एन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेट्रॉन यदि आपको टोटल स्पिन कैलकुलेशन करनी है जहाँ एन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आप सिंपली क्या करोगे एन से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस माइनस हाफ तो ये टोटल स्पिन आ जाएगा ठीक है वैसे भी गिन सकते थे इसको हर इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ का स्पिन होता है अब इस टॉपिक में लास्ट में हम आते हैं वेव क्वांटम थ्योरी में ठीक है वेव क्वांटम मॉडल इसको बोलते हैं अपन ये बोलता है सिंपली कि इलेक्ट्रॉन जो पड़े होते हैं दे आर ट्रेवलिंग लाइक ए वेव तो डी ब्रोगली और हाइजनबर्ग पे बेस्ड है अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ऐसे वेव तो इसके एम्पलीट्यूड को डिफाइन किया जाएगा ऐसे साई साई एक फंक्शन है साई मैंने डिफाइन कर दिया किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि वेव की तरह घूम रहा है इस साई फंक्शन के दो पार्ट होते हैं यह साई डिपेंड करता है तीन क्वांटम नंबर पे एन एल और एम ठीक है साई के दो पार्ट होते हैं एक रेडियल फंक्शन होता है एक एंगुलर फंक्शन होता है रेडियल फंक्शन केवल रेडियस पे डिपेंड करता है एंगुलर फंक्शन एंगल थीटा और पे डिपेंड करता है तो दो पार्ट में डिवाइड किया आर रेडियल फंक्शन ए एंगुलर फंक्शन आर का मतलब रेडियल पार्ट ए का मतलब एंगुलर पार्ट ठीक है अब देखिए जो साई आता है इसका स्क्वायर हमेशा देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन टू आइटम तो शोडिंगर हमेशा ही बोलता है कि ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है जहाँ साई स्क्वायर मैक्सिमम होगा वही ऑर्बिटल कहलाएगा तो इसने सबसे पहले तो साई निकाला हर वेव के लिए और फिर उसका स्क्वायर करके इसने प्रबिलिटी निकाली ठीक है शोडिंगर इक्वेशन आपको याद रखनी है कि शोडिंगर इक्वेशन में डेल स्क्वायर साई अपॉन्ट डी एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन्ट डी वाई स्क्वायर

कि इलेक्ट्रॉन उस जगह पर रहेगा जहाँ इसके मिलने की प्रॉबलिटी सबसे ज्यादा होगी एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल ठीक है नोड हम डिफाइन करते हैं ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है ठीक है नोड दो प्रकार के होते हैं रेडियल नोड का फार्मूला है एन माइनस एल माइनस वन तो जैसे फोर पी के बारे में बात करूँ तो इसमें एन फोर एल की वैल्यू वन और माइनस वन कर दूँ तो दो रेडियल नोड इसके अंदर आएंगे ठीक है एंगुलर नोड निकालना हो तो एल के बराबर होता है सिंपली जैसे फोर पी में देखूँ मैं तो पी देखना है मुझे जिसका एल वन होता है तो वन एंगुलर नोड इसमें होगा ठीक है तो रेडियल नोड एन माइनस एल माइनस वन एंगुलर नोड सिंपल एल होता है इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल नोड आ जाता है वो होता है वैल्यू एन माइनस वन ठीक है कर्व आपको ध्यान रखना है एन सी आर टी में दिए हुए हैं तो रेडियल प्रोबेबिलिटी की जो कर्व है सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ रेडियल फंक्शन वर्सेस आर का कर्व ये आर क्या है रेडियल फंक्शन तो मैंने यहाँ पे तीन कर्व बनाए हैं पहला वन एस के लिए टू एस के लिए और फिर टू पी के लिए ध्यान देखिएगा आर वर्सेज स्मॉल आर ये तो है न्यूक्लियस डिस्टेंस और ये कैपिटल आर है रेडियल फंक्शन ठीक है तो वन एस का फंक्शन ऐसे डिक्रीजिंग होता है टू एस डिक्रीज करके नेगेटिव पार्ट में जाता है फिर इस तरीके से आएगा और टू पी जो है यहाँ पर इस तरह का कर्व होगा ठीक है अगर हम आर का स्क्वायर कर दें ठीक है तो ये आर स्क्वायर कहलाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ठीक है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ठीक है ये आर सिंपल था रेडियल फंक्शन ठीक है अगर हम कर्व खींचे तो वन एस के लिए सेम ऐसा ही कर्व आएगा जैसा ऊपर था टू एस में ये नेगेटिव पार्ट जो था ये चला जाएगा ऊपर वाले पार्ट में तो ये यहाँ पे इस तरीके से गया जहाँ टच कर रहा है उसको नोड बोलते हैं ठीक है तो टू एस का कर्व ऐसा है टू पी का कर्व जैसा आर का था वैसा ही यहाँ पर भी है तो सेम कर्व मैंने ये कंपेयर करके बता देता था मैं आपको कि ये कर्व दोनों सेम है ये दोनों सेम है बस इसमें नेगेटिव पार्ट ऊपर चला गया क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ठीक है और स्क्वायर कर दिया आर का तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको कहते हैं हम ठीक है अब यहाँ पे हम एक फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फोर पाई आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ये पूरा जो फंक्शन है पूरा फंक्शन यानी फोर पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर इसको कहते हैं टोटल प्रॉब्लिटी इन वॉल्यूम वी या इसका पूरा नाम है रेडियल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं किसकी बात कर रहा हूँ रेडियल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रॉबलिटी इन टू वॉल्यूम वी ठीक तो अब चूंकि आर साथ में मल्टीप्लाई हो गया इसमें ठीक है तो वन है इसका जो कर्व आता है वो पहले आ रहा था इस तरीके से ध्यान दीजिए इस तरीके से लेकिन चूंकि आर जीरो हो गया तो फोर पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा पीक पे जाएगा और उसके बाद ये कम होने लग जाएगा ठीक है यहाँ कोई नोड नहीं है टू एस में ये इस तरीके से बढ़ेगा फिर ये इसके बाद एक और इसमें करवाएगा और फिर ये नीचे आएगा टू पी में एज यूजल वैसा का वैसा करवाएगा अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है जैसे एस में मैं बोलूँ तो कोई एंगुलर नोड नहीं है प्रॉबलिटी सभी जगह डायरेक्शन जो है वो इक्वल होगी एस में पी में एक डायरेक्शन ऐसी होगी जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक में जहाँ नहीं मिलेगा तो इसमें एंगुलर जो है नोड होते हैं वन ठीक है तो इस बेसिस पे बोला गया है और रेडियल जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन तो वन एस हमेशा होता है इस तरीके से वन एस कैसा होता है इस तरीके से ठीक है तो आप न्यूक्लियस से आगे बढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी फिर घटेगी इसलिए कर्व यूं गया ठीक है फिर टू एस का जो कर्व है वो इस तरीके से होता है एक यहाँ पे मैं बना दूँ और दूसरा ये बना दूँ तो इसमें क्या होता है कि पहले प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से आगे बढ़े तो बढ़ी फिर कम हुई फिर बढ़ी फिर कम हुई यानी कि कर्व कैसे आ गया पॉल्ट्री बड़ी कम हुई फिर बड़ी कम हो गई ठीक है और यहाँ पे ये यह क्या चीज़ आ गई नोड तो नोड हमें पता लगी क्या जैसे टू एस है तो इसमें नोड रेडियल नोड कितने होंगे ध्यान दें कि रेडियल नोड क्या होगा एन माइनस एल माइनस वन एन की वैल्यू हमारे पास है टू एल एस के लिए जीरो होता है तो बराबर वन नोड आ गया तो ये वन नोड ये रिप्रेजेंट करता है ठीक है इस तरीके से हमारा एटोमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद ठीक है आप इसके लिए अगर कंप्लीट लेक्चर देखना चाहें तो यू कैन डाउनलोड हमारी ओवर और फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर ठीक है और अगर मान लीजिए हमें ये वीडियो आपको लाइक अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन ठीक है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएं ठीक है ना हमने कोशिश करी है कि पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका एक, एक स्टेज में पूरा खत्म हो जाए रिवाइज हो जाए ठीक है अगर हमारे कोर्सेज के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए डब्लू डब्ल्यू डॉट न्यूक्लियन आई आई टी जई कोटा डॉट कॉम ठीक है थैंक यू फॉर योर पेशेंस